हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो डू सब्सक्राइब इट एंड साथ ही साथ डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। दिस इज़ अ फेसबुक पेज। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमको इनबॉक्स कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो ये है क्लास 13th एंड ये बेस्ड है ऑन द मिडिवियल हिस्ट्री ऑफ J&K पर। अगर मैं सिलेबस पे थोड़ा ब्रीफ करूं तो सोफार हमने हिस्ट्री ऑफ J&K को 85% कंप्लीट कर लिया है, लेकिन सिंस मुझे बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं लद्दाख से रिगार्डिंग देयर एग्ज़ाम बीइंग हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इसलिए अब से हम जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और एक और सब्जेक्ट को साथ में शुरू कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक बेस्ड है ऑन द मिडिवियल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिडिवियल हिस्ट्री में टोटल 8 डायनेस्टीज का रूल है कश्मीर पर, और यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये हो सकता है कि कौन सी डायनेस्टी किसने फाउंड की थी। लास्ट वीडियो में हमने एंशियंट की 3 डायनेस्टीज के रूल के बारे में पढ़ा था, द मौर्यन एम्पायर, द कुशान एम्पायर एंड द करकोटा डायनेस्टी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन 8 डायनेस्टीज के रूल के बारे में। तो मिडिवियल हिस्ट्री स्टार्ट होती है उत्पाला डायनेस्टी के रूल से और एंड होती है 6 डायनेस्टी के रूल पर। हर एक डायनेस्टी का अपना कल्चर और अपनी इम्पॉर्टेंस है। मिडिवियल हिस्ट्री 6 रूल तक चलती है और उसके बाद डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत होते ही मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत हो जाती है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उत्पाला डायनेस्टी के रूल के बारे में। उत्पाला डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी महाराजा अवंती वर्मन ने, और इन्होंने जो कैपिटल सिटी बनाई थी उसका नाम था अवंतीपुरा। महाराजा अवंती वर्मन के बेटे का नाम था शंकर वर्मन, और शंकर वर्मन की डेथ के बाद ही उत्पाला डायनेस्टी वीक हो गई थी एंड इनके बाद लोहारा डायनेस्टी का रूल शुरू हुआ था। यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो यही है कि उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर का क्या नाम था। लोहारा डायनेस्टी की फाउंडेशन कश्मीर में संग्रा महाराज ने रखी थी। ये वो सुनहरा वक्त था कश्मीर का जब कल्हाना जैसे फेमस कश्मीरी पोइट का जन्म हुआ, जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रज्जत तार अंगिनी। इस किताब से हमें कश्मीर की एंशियंट हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। इस डायनेस्टी ने महान राजा जयसिम्हा का भी रूल देखा, जिन्होंने फेमस टेंपल्स एंड श्राइन्स को रिपेयर करवाया और उनका निर्माण करवाया। इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम था वेनेता देवा। बात करेंगे अब देवा डायनेस्टी के बारे में। देवा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुरुषोत्तम देवा। देवा डायनेस्टी की कैपिटल थी बिक्रमपुर, जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश की मुंशीगंज डिस्ट्रिक्ट में है। संग्राम देव और सहदेव वो दो महान राजा थे जिन्होंने कश्मीर पे राज किया। सहदेव के राज में कश्मीर में तरतार चीफ दुलुच्चा ने हमला किया और बहुत लूट मचाई। नेक्स्ट इज शाहमीर डायनेस्टी। शाहमीर डायनेस्टी ने कश्मीर पे 222 साल राज किया, एक लंबे समय तक राज किया। इनका राज शुरू होता है सुल्तान शमशीउद्दीन और एंड होता है सुल्तान हबीब शाह पर। शामी डायनेस्टी ने दो और महान राजा दिए जिनका नाम था शहाबुद्दीन और जैन उल अब्दीन। इन दोनों ने शामी डायनेस्टी के रूल को इंक्रीज किया था बाय एनेक्सिंग द नेबरिंग सिटीज एंड कंट्रीज। नेक्स्ट इज चक डायनेस्टी। जब शाहमीर की डायनेस्टी वीक होती है तो उनके ही आर्मी कमांडर तख्ता पलट कर देते हैं जिनका नाम होता है गाजी चक। तो चक डायनेस्टी फाउंड की थी गाजी चक ने, और ये रूल शुरू होता है 1561 से और ये लास्ट करता है 1587 तक, बिकॉज 1587 में मुगल्स गाजी चक को हरा देते हैं और कश्मीर पे कब्जा कर लेते हैं। तो अब जो नेक्स्ट रूल के बारे में हम पढ़ेंगे वो है द मुगल रूल। तो जो पहले मुगल एम्परर कश्मीर ने देखे वो थे महाराजा अकबर। मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड शुरू होता है 1587 से, और एक अच्छा समय, एक लंबा समय मुगलों का राज चलता है और एंड होता है 1752 पर। कश्मीर का ये वो समय था जब पहली बार कश्मीर की पोटेंशियल को समझा गया और रेवेन्यू जनरेशन शुरू हुई। आज की जो आप रेवेन्यू जनरेशन देख रहे हैं ये यहाँ पर उसकी एक फाउंडेशन रखी गई थी। अकबर के बार बार कश्मीर में आने से कश्मीर फेमस होने लगा, टूरिज्म बढ़ने लगा, और फिर अकबर के बाद जहांगीर ने भी कश्मीर पर राज किया। जहांगीर को कश्मीर से बहुत प्यार था और इन्होंने कश्मीर की सुंदरता को समझा और कश्मीर को और भी सुंदर बनाया। शालीमार बाग, निशान गार्डन जैसे फेमस गार्डन्स एग्जाम्पल है उस सुंदर कंस्ट्रक्शंस के जो इनके वक्त हुई।
इतिहास में कोई भी रूलर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कश्मीर को इतना सुंदर बनाया हो, उसकी सुंदरता को इतना निखारा हो। काफ़ी बार ये कश्मीर आते थे अपनी वाइफ नूर सुल्तान के साथ। जहांगीर के बाद कश्मीर ने शाहजहाँ का भी शासन देखा, तो शाहजहाँ के वक्त फेमस गार्डन चश्मेशाही का निर्माण हुआ। मुगल गवर्नर अली मर्दान खान ने बहुत से गार्डन का निर्माण करवाया, जिनमें से निशांत बाग एक है। तीनों गार्डन्स शालीमार बाग, निशांत बाग और चश्मेशाही डल झील के पास हैं और उनमें से सबसे बड़ा है शालीमार बाग। मुगल्स ने एक लंबे समय तक कश्मीर पर राज किया, बट इनका वक्त शांति प्रिय था शाहजहाँ तक। शाहजहाँ के बाद जब औरंगजेब आए तो कश्मीर की हालत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होनी शुरू हो गई थी। औरंगजेब के राज में कश्मीर में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं थी। जो लोकल सूबेदार थे वही इंडिपेंडेंट हेड बन गए थे। एज औरंगजेब विजिटेड कश्मीर जस्ट वंस इन 1665। लेकिन कश्मीर ने अभी और भी बुरा वक्त देखना था। इनके बाद शुरू होता है अफगानी रूल। अफगानी वक्त कश्मीर का सबसे बुरा वक्त था। कहा जाता है कि दो कश्मीरी लाहौर गए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी नादिर शाह से कि वो कश्मीर पे आके राज करें। तो फिर 1752 में अहमद शाह अब्दाली आते हैं काबुल से और ये नादिर शाह के अंडर अफगान आर्मी को लीड करते हुए मुगल्स को हराते हैं और अफगानी राज शुरू होता है कश्मीर पर। 18 सेंचुरी आते आते कश्मीर और कश्मीरियों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि फिर से एक कश्मीरी बीरबलधर कश्मीर से निकल के जाता है महाराजा रंजीत सिंह के पास और रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग कश्मीर पे आके राज करें। तो 1819 में महाराजा रंजीत सिंह 30,000 सैनिकों के साथ हमला करते हैं कश्मीर पे और अफगानी रूल को ख़त्म कर देते हैं। सिख रूल भी सिर्फ 27 साल ही चल पाता है। बेसिकली जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है तो सिख रूल और सिख आर्मी वीक पड़ जाती है और इसके साथ ही मिडीविल हिस्ट्री का भी एंड हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो से इतना ही। यहाँ पे हमारी मिडीविल हिस्ट्री ख़त्म होती है। टोटल 8 डायनेस्टीज हमने मिडीविल हिस्ट्री में पढ़ ली, एंशियंट में 3 पढ़ी थी। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम डोगरा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये जो 8 डायनेस्टीज हैं यहाँ पे आपने याद क्या करना है, याद करना है इनके फाउंडर्स का नाम और ये सीक्वेंस याद करना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल ने किसको हरा के एस्टैब्लिशमेंट की थी कश्मीर पे, या सिख ने किसको हरा के की थी। तो ये आपको एक बार अगर आप सीक्वेंस याद कर लेंगे तो आपको प्रॉपरली याद रहेगा कि हाँ मुगल्स चक डायनेस्टी को हरा कर आए थे या अफगान्स मुगल्स को हरा कर आए थे। तो ये सीक्वेंस याद कर लेना। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।